ओए अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे, अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे, जिथों मंगदा नबी होवे, जिथों मंगदा अली होवे, अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे, तौहीद अल्लाह दी हर वेले मैं इसे लई सुना नामा, सारे दर छड़ के इक दर ते इसे लई सर चुकाना खां, जदों जावा कबर अंदर, जदों जावा कबर अंदर, कबर मेरी सजी होवे, अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی रुकू दिलायक सुजूद दिलायक इबादत दिलायक अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया रश्के सुबह मसा आबशारी ज़िया आमीना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफो कमाल पैगंबरे बे मिसाल बदरुद्दुजा शम्सु जुहा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम दी जाते अकदसो अतहरो आला और बाला वास्ते हज़राते मोहतरम कुरान पाक दा जो मुकाम में तिलावत कीते तीसवां सिपारा है सूरह अलहाक को मुतकासुर है इन आयात के तहत
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबर दा और हशर दा मामला बयान फरमाया। कबर दे अंदर जो इनामात का सिलसिला है वो भी तुसा हजरात के सामने में रखे है, और कबर दे अंदर जो अजाब का सिलसिला है वो भी पिछले खुतबा जुमा दे अंदर बयान किया गया है। बात इतों तक पहुंची सी कि बहुत से आमाल इंजदे ने कि जिन्हां दो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अजाबे कबर तो ढाल बयान फरमाया है। बहुत से अमाल ने जिहड़े अजाबे कबर तो बंदे नूं महफूज रखदे ने, उन्हां दे विचों सब तो पहला और सरे फरिश्त जो अमल है वो है अकीदा ए तौहीद दा मिलना। अकीदा ए तौहीद वाला बंदा कबर दे अजाब तो महफूज रहिंदा है। कुरान पाक ने आख्या इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह शिरक तो अलावा तमाम गुनाह मुआफ कर देगा पर शिरक दी माफी मिलनी नहीं। और हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया मम माता ला युशरिक बिल्लाहि शैया दखलल जन्ना, कि जिस बंदे नूं इस हाल अंदर मौत आई कि वह अल्लाह दे नाल किसी नूं शरीक नहीं सी ठहरांदा ते वह बंदा जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता जाएगा। और फिर फरमाया मम माता युशरिक बिल्लाहि शैयन दखलन नार, जिस बंदे नूं इस हाल अंदर मौत आई कि वह अल्लाह दे नाल शिरक करिया करदा सी अल्लाह जरूर बे जरूर इहनूं अग दे अंदर दाखिल फरमाएगा। एदा आगाज कबर तो ही हो जाएगा, चाहे जन्नत अंदर जाना है चाहे जहन्नम अंदर जाना है। इन बातों की वजाहत पिछले दो जुमा के अंदर कर चुके हैं। दूसरा अमल अजाबे कबर के बचाओ वास्ते सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस की शरह करदे आया फरमाया कि अल्लाह ताला दे जिक्र तो बढ़ के कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिहड़ा बंदे नूं अल्लाह दे अजाब तो बचा ले। अल्लाह दा जिक्र इस कदर बड़ी चीज है कि अल्लाह दा जिक्र इंसान नूं अल्लाह दे अजाब अंदर दाखिल होण देंदा नहीं। जिक्र तो मुराद तस्बीहात भी ने, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दी तस्बीह पढ़ लो, दुरूद दी तस्बीह पढ़ लो, सुबह शाम दे अज़कार पढ़ लो, सैयदुल इस्तिगफार पढ़ लो। और जिक्र तो मुराद नमाज भी है, जिक्र तो मुराद अल्लाह दा कुरान भी है। फरमाया वाला जिक्रुल्लाह अकबर, नमाज अल्लाह दा बहुत बड़ा जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान अल्लाह ताला दा बहुत बड़ा जिक्र है ते जिक्र दे नाल अटैच रहन वाला बंदा उदे ते अज़ाब आना एक गल्लां याद करन वाली है। ये दसियां तां गईयां ने ते ताडे अगे बयान तां कीतियां जा रहियां ने कि असीं इहदे ते अमल दरामद करना। कोई एक तस्बीह इस तरह दी अपना ज़हन बना लीजिए, इरादा कर लीजिए
कि असी ए तस्वीर मैं जिस हाल अंदर मर्जी होवा इन्हों कलीमात की तस्वीर मैं लाजमी पढ़नी कोई भी कलमे रख लो सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अलअजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलअलील अजीम अल्लाह अकबर कबीरा वलहम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरत व असीला सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह बढ़िया तस्बीहात ने अस्तगफिरुल्लाह अल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम अतूबु इलैही इना सारियां दी आपो अपनी जगह ते बहुत ज्यादा फजीलत है ते कोई एक तस्बीह दे नाल भी अटैच हो जाए ते मैनू उम्मीद है नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक अल्लाह उस बंदे नू कब्र दे अज़ाब तो महफूज रखेगा। तीसरा अमल हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दी रजा वास्ते एक रोजा रख दे अल्लाह ताला उस बंदे नू जहन्नुम दी आग तो 70 साल दी मुसाफत तक दूर कर दे। और एक हदीस अंदर आंदा है जेड़ा एक रोजा रख दे अल्लाह ताला दी रजा वास्ते अल्लाह उन्हें जहन्नम तो 100 साल दी मुसाफत तक दूर कर दे। एक रोजा अल्लाह की रजा की खातर रखना रमजान के रोजे तो असं रखते रहने कई शर्मो शर्मी भी रख लेंगे ने कई वह भी नहीं रखते तो घरें बड़े रहते हैं बाहर निकलांगा किसी ने पूछ लिया रोजा है कि ना या तो झूठ बोलना पेगा तो या फिर झूठ ही बोलना पेगा तो शर्मो शर्मी भी कई रख लेंगे ने मनु कहेगा यार अट्टा कट्टा बंदा तो रोजिया के रमजान के रोजे तो फर्ज ने खाँदा पीना नजर पे आंदा है। रमजान तो इलावा एक नफली रोजा हुजूर अली सलाह तो सलाम एक हफ्ते के अंदर 2 रोजे रखिया करते सन एक पीर का एक जुमेरात का इन्हों की रूटीन बना लो या इस तो इलावा कोई एक रोजा बंदा रखना शुरू कर दे ते नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया अल्लाह की रजा वास्ते सिर्फ अल्लाह नूं पता होवे ते तुहानूं पता होवे कि रोजा रखे है तीसरी किसी जात नूं पता ना होवे ये है खालिसतन अल्लाह की रजा वास्ते रोजा रखना यह रखने वाला बंदा अल्लाह ताला इहनूं जहन्नम तो 70 साल की मुसाफत तक दूर कर दे। फिर मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया चौथा अमल अल्लाह की रजा वास्ते अल्लाह की खुशनुदी वास्ते अल्लाह के डर की वजह तो सजदे करने वाला बंदा और ओ बंदा है कि जिस बंदे दे बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बंदे ने इस बंदे नूं इदियां बद आमालियां दी वजह तो जहन्नुम दे अंदर सुट दिता जाएगा जहन्नुम दे अंदर जल बल जाएगा सड़ जाएगा जिसम राख हो जाएगी ते अल्लाह ताला अपने फरिश्तियां नूं कहणगे कि एक बंदा है उहनूं तुसीं बाहर कढ के लैके आओ जहन्नुम विचों अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह दे फरिश्ते इहनूं जहन्नम दे विचों बाहर कढ के लैके आएंगे ते मेरे पैगंबर ने फरमाया सजदे दे अंदर जेड़े आजाद जमीन ते लगदे ने केड़े केड़े लगदे ने एक दो दो हाथ दो घुटने दो पाऊ मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमांदे ने सजदियां दी वजह तो सिर्फ एदे सजदियां वाले आजा जहन्नम दी अग तो महफूज रहे होणगे बाकी सारे जिस्म नूं अग खा चुकी होएगी अल्लाह ताला इहनूं दोबारा एक खूबसूरत शक्ल अता फरमा के दाखला था कर छेगा। सजदियां वाले आजाद जहन्नम दे अंदर रहन दे बावजूद भी जहन्नम दी अग सजदियां वाले आजाद नहीं खाएगी जिन्ना आजाद ते सजदा कीता जांदा है ते सही हदीस अंदर आंदा है कि मेरे पैगंबर ने फरमाया 7 आजाद ते सजदा है चेहरा 2 हाथ 2 पांव और 2 घुटने ये 7 नाक और माथा ये दोवें चेहरे के अंदर आते हैं एक गिनिया गया इन्हों 7 आजाद ते सजदा होंदा है ते मेरे पैगंबर ने फरमाया सजदा करने वाले शख्स नूं सजदे वाली जगह ते जहन्नम दी अग खांदी नहीं। पंजवां अमल मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया राह खुदा दे अंदर पहरा देने वाला जेड़ा अल्लाह ताला दे रस्ते दे अंदर पहरा दे रहा है जिवें मुजाहिदीन पहरा दिया करदे सन फरमाया इस हाल अंदर अगर किसी नूं मौत आ जाए ते वादे अल्फाज ने कि अल्लाह ताला उस बंदे नूं कब्र दे अज़ाब तो महफूज कर ले। और छठा अमल मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया
फरमाया ऐसा बंदा जिहड़ा बंदा सदका करन वाला है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च करन वाला और इस तरह खर्च करदा है कि अगर दाएं हाथ नाल खर्च करदा है ते बाएं हाथ नूं पता नहीं लगन देंदा ऐसा बंदा जदों कबर दे अंदर जाएगा ते अल्लाह ताला इहदे सदके दी वजह तो इहदे ते कबर दे अज़ाब नूं टाल छड्डेगा कबर दे अज़ाब तो महफूज रहेगा सिर्फ किहदी वजह तो सदके की वजह तो सदका करिया करो अल्लाह की राह विच दया करो मस्जिद का काम भी हो रहा है मस्जिदां दे अंदर हिस्सा पाया करो अल्लाह ताला दे घर अंदर मदारस अंदर यतीमां नाल गरीबां नाल मिसकीनां नाल और सदका इस तरह करो कि दाएं हाथ नाल सदका किया जाए तो बाएं हाथ नूं पता ना लगे इंशाअल्लाह कयामत दे दिन तो पहलां पहलां जदों कबर दे अंदर जावांगे अगर अज़ाब आन भी लगेगा तो मेरे नबी सदका अज़ाब आन देंदा नहीं। सत्वें नंबर ते मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया फरमाया जिहड़ा बंदा जुमे दे दिन या जुमे दी रात फौत हो जाए अल्लाह ताला इस बंदे नूं कबर दे अज़ाब तो महफूज रख दे। मुहद्दिसीन किराम दुआ करया करदे सन या अल्लाह मौत आए सजदे दे अंदर आए या अल्लाह मौत आए नमाज दी हालत अंदर आए या अल्लाह मौत आए जुमे दे दिन आए या अल्लाह पाक बाज दिन अंदर आए उस दिन मौत आए जिस दिन तेरे नबी ने आख्या है कि या अल्लाह इस दिन मरण वाले बंदे नूं अज़ाब नहीं हुंदा मैं अपनी जिंदगी दियां सारियां दुआवां कढ के वेख लईआं ने एक दुआ दे अंदर भी अल्फाज नहीं मैनू मिले कि या अल्लाह मैनू जुमे दे दिन मौत आ जाए हालांकि आ सकदी कि नहीं आ सकदी अल्लाह दे इख्तियार अंदर है कि कोई ना असीं कदी मंगिया असीं मंगिया ही कोई अल्लाह फरमांदे ने तू मंग ते सही जदों मंगेगा ईमान होएगा यकीन होएगा तो जुमे वाले दिन जिहड़ा मुसलमान फौत होंदा है नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह इहनूं अज़ाबे कबर तो महफूज फरमा देंदे ने। फिर मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया सूरे मुल्क दी तिलावत करन वाला हर रोज हर रात बल्कि एक रिवायत दे अंदर आंदा है कि दिन और रात दे किसी भी हिस्से दे अंदर एक दफा सूरे मुल्क दी तिलावत करन वाला बंदा अल्लाह ऐसे शख्स नूं अज़ाबे कबर तो महफूज फरमांदे ने। फिर मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया तीन किस्म दियां अखां इंजदियां ने कि इन्हां अखां नूं अल्लाह ताला दा अज़ाब नहीं हुंदा। साहबा किराम फरमांदे ने महबूबा केड़ियां केड़ियां अखां ते मेरे पैगंबर ने फरमाया राह खुदा दे अंदर पैरा देन वास्ते जागण वाली अख इस अख नूं अल्लाह ताला कदे भी अजाब नहीं देगा ते दूसरी वह अख जे अख हराम वल उठन लगे तो अल्लाह याद आ जाए याद आवे कि यार अल्लाह ने आख्या गैर महरम वल नहीं वेखना अल्लाह ने आख्या फाशी नहीं वेखनी अल्लाह ने आख्या बदकारियां नहीं वेखनिया अल्लाह ने आख्या फिल्मां नहीं वेखनिया अल्लाह ने आख्या एक गंद नहीं वेखना एदियां अखां नीवियां पै जान कयामत दा दिन होएगा अल्लाह इहनूं अपने अज़ाब तो निजात अता फरमा देगा। और मेरे पैगंबर ने फरमाया तीसरी अख जिहड़ी अपने गुनाहां नूं याद करदिआं करदिआं आंसू बहा देवे इहदा आंसू जमीन ते बाद अंदर डिगदा अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह पहले माफ कर छड्डदा है। यह है कबर कबर के इनामात का तज़किरा भी एक मुकम्मल जुमे के अंदर मैं किया एक जुमे के अंदर कबर के अज़ाबात का जिक्र किया हूँ कबर तो उठाए जान का जिहड़ा जिक्र है वह अज के खुतबा जुमा के अंदर है। मेरा इरादा इतना ज्यादा नहीं सी ये मज़ामीन बयान करन ते कुछ बातें होंदियां ने जिहड़ियां याद दहानी वास्ते होंदियां ने कुछ बातें होंदियां ने जिहड़ियां नवियां भी होंदियां ने बड़ी मेहनत करनी पैंदी है उन्हां खुतबात वास्ते जिहड़े पहले बयान कर चुके हो फिर वह मजमून एक मजमून दोबारा बयान करना पे बड़ी ही मेहनत का तकादा करता है और बस फरमाइश ही भाइयों की उस फरमाइश की वजह तो मैं अनुमान बयान कर रहा हाँ। दुआ करो मेरा बयान करना थोड़ा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह ताला किसी की निजात का सबब बना देवे अल्लाह किसी की हिदायत का सबब बना देवे उची कह दो यार अल्लाह किसी की हिदायत का सबब बना दे मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आए दुरूद मुहब्बत नाल प्यार नाल अदब नाल ज़ौक नाल शौक नाल ते सारे पढ़ना जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह ताला दा कुरान ऐलान कर दे फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। फरमाया कायनात दे लोगो इंसान नूं अपनी पैदाइश ते लम्हे ते गौर करना चाहिए है। अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन अल्लाह ने आदम तो इनू मौजूदगी अता फरमाइए कुछ नहीं सी हुंदा ते अल्लाह ताला ने 6-7 फुटा बंदा बना दिता। अवलम यर इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। एक बंदा दा नाम आस बिन वायल है मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दे कोल आ गया ते कब्रस्तान दे विचों आंदियां आंदियां एक बसीदा जी हड्डी भी अपने नाल लेके आया है ते मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम नूं कहन लगा तुसी कहंदे हो मरण तो बाद दोबारा उठाए जावांगे, तुसी कहंदे हो मरण तो बाद कब्रां दे विचों दोबारा उठाए जावांगे, तुसी कहंदे हो नामा अमाल अल्लाह दे सामने पेश किया जाएगा। ऐ मैं कब्रस्तान विच एक बसीदा जी हड्डी लेके आया वा, दसो ना इस हड्डी नूं दोबारा कौन जिंदा करेगा, इस हड्डी ते दोबारा गोश्त कौन चढ़ाएगा, इस हड्डी ते दोबारा जान दे अंदर कौन पैदा करेगा। मेरे पैगंबर नूं सवाल पिया कर दे, इधरों सवाल पिया कर दे, उधरों जिब्राईल अलैहि सलातो सलाम कुरान दियां सूरे यासीन लेके आ गए। माया अवलम यरल इंसानो अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीम मुबीन वजारा बालाना सलम व नसिया खलका काला मैं युही लिजाम वहिया रमीम कुल युही गल्लजी अन्शाहा अव्वला मर्रा अव्वला मर्रा अव्वला मर्रा। फरमाया महबूबा एक कब्रस्तान विचों बसीदा हड्डियां लैके तेरे कोल आंदे ने ते कहंदे ने मैं युही लिजाम वहिया रमीम कौन जिंदा करेगा ना बसीदा हड्डियां नो। महबूबा इन्हां नूं जवाब दे के कह देना कुल युही अल्लज़ी अंशाहा अव्वला मर्रा जिन्हें पहली दफा जिंदा कीता है ओही दूसरी दफा भी जिंदा करेगा, जिन्हें पहली दफा बनाया वह दूसरी दफा बनाएगा, जिन्हें पहली दफा जान पाई है वह दूसरी दफा भी जान पाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बंदा है एदा नाम उबई बिन खल्फ है, ये भी मुशरिकीन मक्का दे विचों है। एक दिन भी आ गया नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कोल मरण तो बाद दोबारा उठाए जाम ते बहस करन लग पिया, कहिंदा मर जाना है ते मर के मिट्टी मिट्टी हो जाना है। ते अल्लाह ताला ने एदियां गल्लां दा भी जवाब कुरान पाक अंदर दिता। फरमाया वायकुलुल इंसानु आइदा मा मितु लसौफा उखरजु हय्या वयकूलुल इंसानु आइदा मा मितु लसौफा उखरजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन कबलु वलम यकु शय्या। फरमाया कायनात दे लोगो उस दिन ते गौर करना जदों तेरी जात नूं कोई नहीं सी जानदा, जदों तू काबिले जिक्र शै ही नहीं सै। मेरी उम्र 25 साल है, आज तो 30 साल पहले भी दुनिया बसदी सी, आज तो 30 साल पहले भी दुनिया चलदी सी, आज तो 30 साल पहले भी दुनिया दे बाजार चलते सन, पर मैनू अज तो 30 साल पहला जामदा ही कोई नहीं सी। 25 साल ते मेरी उम्र है, 30 साल पहले कौन जामदा होएगा। अल्लाह ने हर बंदे दे उत्ते नुक्ता फिट कीता है। अल्लाह फरमांदे ने दस ना किन्नी कु देर हुई है तेनू दुनिया दे अंदर आया, इस तो पहले तेनू
को जामदा सी के नहीं सी जामदा, किथे से किथे नहीं से कोई नहीं जामदा। बस अल्लाह ने एक पानी दा कतरा लिया तेरे बाप दी पुश्त विचों, अल्लाह ने एक पानी दा कतरा लिया तेरी मां दी छाती दे विचों। फिर अल्लाह ताला ने आदम नू वजूद विच लेके आंदा, कोई शै नहीं सै। फिर अल्लाह ताला ने तेनू जिस्म ता फरमाया, फिर अल्लाह ने तेनू अखां ता फरमाइया, फिर अल्लाह ने तेनू नक ता फरमाया, फिर अल्लाह ने तेनू ज़ीन ता फरमाया, फिर अल्लाह ने तेनू अकल ता फरमाई, फिर अल्लाह ने तेनू जिस्म ते पैर ता फरमाए। फिर तू दुनिया ते आया, फिर तू चलन फिरन जोगा हो गया, फिर तू तुरन जोगा हो गया। हुण कहना है मैनू दोबारा कौन जिंदा करेगा। फरमाया अल्लाह ताला इंसानी हीनु मिन الدهر لم يكن شيئا مذكورا। कायनात दे लोगो आज तो जनाब अपनी उम्र दा हिसाब लगा ले, तेरे पैदा होण तो 2-3 साल पहला कौन तेनू जानदा सी। फिर अल्लाह ने पानी दे कतरे तो तेरियां पैदाइशां कीतियां, कित्थों लियांदा मटीरियल हड्डियां दा, कित्थों लियांदा मटीरियल मास दा, कित्थों लियांदा मटीरियल अखां दा, कित्थों लियांदा मटीरियल नाखना दा, कित्थों लियांदा मटीरियल बालां दा, कित्थों लियांदा मटीरियल तेरे वालां दा, कित्थों लियांदा मटीरियल तेरे जोड़ां दा। तेरे जोड़ बनाए, तेरियां हड्डियां बनाईयां, फिर उन्हां दे गोश्त चढ़ाया, तेरे बाल लगाए, फिर तेरे पैरां दे नाखन बनाए, फिर तेरे हत्थां दे नाखन बनाए, सारा कुछ बनाया, कितों मटीरियल नहीं आया। बगैर हड्डी तो बनाया, बगैर मांस किसे तो लैण तो बनाया, किसे कोलों कुछ है मंगन तो बगैर बनाया। फरमाया हालता अलल इंसान हीनु मिन दहर लम यकुन शैयम मذकूरा, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन नमशाज। कुछ नहीं सी, एडा वड्डा 6-7 फुटा बंदा बना दिता, हुण हड्डियां भी मौजूद ने, कहना दोबारा नहीं बना सकदे। दोबारा बनाना पहले बना नालों भी ज्यादा आसान है। मटीरियल भी मौजूद, पहले मटीरियल ही कोने सी, फिर बना दिता, हुण मटीरियल भी है, हड्डियां भी है, सारा कुछ है, भावे जमीन थले दफन हो जाए, हुण कहना दोबारा कौन जिंदा करेगा। आखिया पहले आदम दे विचों वजूद विच लैके आया, हुण मैं वजूद नूं दोबारा नहीं बना सकता, यह किवें हो सकदा। अल्लाह 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 तवज्जो करना हजरात ते मोहतरम, गौर करदे जाना दरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह ताला दा कुरान है। फरमाया अफराइतल्लज़ी कफरा बियातिना वकाला लऊतयन्न मालं वबलदा अत्तलअल गैबा अमित्तखज़ इंदर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यकूलु वनमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मब्दा। फरमाया कायनात दे लोगो एक बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ गया, एदा नाम है खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ते खब्बाब बिन अर्त लोहारां दा कम करदा, तलवारां दा कम करदा, तलवारां बणांदा, तलवार बना के एक बंदे नूं बेची होई है, ते जिस बंदे नूं वेची उहदा नाम है आस बिन वायल। आस बिन वायल नबी पाक दा बड़ा बड़ा दुश्मन है, ते खब्बाब बिन अर्त मुसलमान हो गए। मुसलमान होने तो बाद जांदे ने आस बिन वायल दे कोल, मैं तेनूं एक तलवार बना के दित्ती सी, अज मैं तेरे कोलों मजदूरियां लैण आया वा, मैं तेरे कोलों मजदूरियां मंगना वा, मैं तेरे कोलों मजदूरियां दा सवाल पिया करना। ते आस बिन वायल कहन लगे मैं सुने हैं तू कलमा पढ़ ली जाए, ते कहन लगे हाँ हाँ मैं कलमा पढ़ लिया है। ते आस बिन वायल कहिंदा है उदो तेरे पैसे मिलणगे जदों तू मुहम्मद दा इनकार करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते हजरत खब्बाब बिन अर्त फरमांदे ने मर जावे तू ते दोबारा जिंदा हो जावे, या मैं मर जावां ते मैं दोबारा जिंदा हो जावां, फिर भी तू मैनू कवें
मैं अपने नबी का इनकार कर ते मर के दोबारा जिंदा होने तो बाद भी मैं अपने नबी का इनकार नहीं कर सकता, यानी कि अपने नबी की वजह तो मैं मौत आ जाए, मेरे नबी की वजह तो मैं मार दिता जाए, मेरे नबी की वजह तो मेरी गर्दन उतार दी जाए ते फिर मैं दोबारा जिंदा किया जाए ते फिर तू मैं कवे मैं फिर तेन मारांगा ते अपने नबी का इनकार कर दे। तू ते पैसों की गल करना है, मैं ते जान दे बदले भी अपने नबी का इनकार करने तैयार कोई नहीं। ते आस बिन वायल कह लगा अच्छा अच्छा तू उस नबी का कलमा पढ़िया जेड़ा मरण तो बाद दोबारा जिंदा करन दियां गल्लां करदा, जेड़ा कहिंदा मरण तो बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, जेड़ा कहिंदा मरण तो बाद दोबारा भी जिंदगी मिलेगी, जेड़ा कहिंदा मरण तो बाद दोबारा अल्लाह दे सामने खड़ा होना पड़ेगा। ते आस बिन वायल कह लगा ठीक है फिर जदों मर जावांगे ते दोबारा खड़े हो जावांगे उदों आ जाई मेरे कोलों कर्जा लैण वास्ते, ते मैं मर जावां ते कबरी टुर जावां ते फिर मैं दोबारा जिंदा किया। काफर कहिंदा पिया कहिंदा मैं मर जावां ते टुर जावां कबर दे अंदर ते दोबारा जिंदा किया जावां उदों आ जाई मेरे कोल पैसे लैण वास्ते, ते मेरे कोल उदों पैसे भी होणगे, मेरे कोल उदों माल भी होएगा, मेरे कोल उदों औलाद भी होएगी, सारा कुछ ही होएगा, उदों मेरे कोल पैसे लैण वास्ते आ जाई। ते अल्लाह दे कुरान ने इस गंदे बंदे दे अकीदे नूं बयान कीता ते दा रद्द कीता। अल्लाह फरमांदे ने आ फराइत अल्लज़ी कफर बियायातिना वकाद लहू तयन्नमा लव्वा वलदा अत्तलाल गईबा अमिता खदा इंदर रहमान यहदा। फरमाया बड़िया बड़िया गल्लां कर दे ए जग मिठा ते अगला किस डिठा, अगों भी मेरे कोल माल होएगा, अगों भी मेरे कोल औलाद होएगी, अगों भी मेरे कोल बंगले आउणगे, अगों भी मेरे कोल कोठियां आउणगियां। एक ही गल अल्लाह दे कुरान ने दूसरे मुकाम ते बयान की, फरमाया वैलुल्ली कुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालं वादादा यहसबु अन्न मालहु अखलादा। माल जमा करदियां करदियां टेरियां लांदियां लांदियां जमीना बणांदियां बणांदियां जायदादा बणांदियां बणांदियां कब्जे करदियां करदियां तोनबरियां करदियां करदियां यहसबु अन्न मालहु अखलादा। कह लगा मेरा माल ते मेरे नाल हमेशा रहेगा, मेरियां औलादां मेरे नाल हमेशा रहणगियां, चाहे मैं मर के दोबारा जिंदा भी कर दिता जावां तां भी मेरा माल मैनू मिल जाएगा, तां भी मेरी औलाद मैनू मिल जाएगी। फरमाया तलाल गईबा अमिता खदा इंदर रहमान यहदा। क्या तू अल्लाह को लखा के लैके आया है कि उत्थे भी तेनू तेरा माल मिलेगा, या अल्लाह ने तेरे नाल को वादा किया है उत्थे भी तेनू तेरी औलाद मिलेगी। फरमाया बड़िया बड़िया गल्लां करना है, ना ना एडे वड्डे बोल ना बोलिया कर, एडिया वड्डिया गल्लां ना करिया कर। कल्ला सनक तुम मा यकूलु वनमुतु लहू मिन अलअज़ाबि मद्दा। तू माल ते दौलत ते पुत्रां दियां गल्लां करना है, जदों मर के मेरे कोल आएगा मैं रब ने तेरे लई अज़ाब तैयार कर छड़िया है। किताब नाज़िल की माल खा के कहेगा उठे मेरे को माल होगा, उठे माल नहीं रब ने तेरे लिए अज़ाब रखिया। गल्लां करनियां बड़िया सौखियां ने, भुगतनियां बड़िया औखियां। हुण ते गल्लां करिए जो मर्जी कही जाए, हुण पता हुण कुरान दी वही बंद हो गई, हुण कहने आणा उदों कुरान उदों आखरत दे बारे गल करदे सन, अल्लाह फट कुरान नाज़िल कर। अल्लाह नूं पता सी बाद अंदर भी लोक आना, उन्हें भी यही कहना ए जग मिठा दे अगला किस जिठा। अल्लाह पहली लग छड़िया जिहड़ा तू मिठा लै लिया, मिठा लै लिया हुण अगे कौड़ा ही है पुत्तर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आप तवज्जो करना हजरा ते मोहतरम गौर करते जाना दरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना 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 दो नंबरियां ना करिया कर, धोखे ना करिया कर। मेरा ते अकीदा है, तुहाडा भी अकीदा है, क्योंकि इस्लाम दा अकीदा है जेड़ा बंदा आया है उन्हें जाना ही जाना है, ते जिन्हें कबरी जाना है उन्हें कबरों उठाया जाना ही जाना।
जाना है, उन्हें रब के पेश होना ही होना है। अल्लाह अकबर, फिर कादा गरूर, कादा तकबर, कादा फखर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक शायर ने कलम चुके आपने बड़ी प्यारी गल की थी, वे टुर जाना घर दे प्यारे ने वेड़ा सजया सजाया, रह जाना तेरे दिया पुत्रा भुल जाना, यारा भुल दिया भुल दिया भुल जाना, टुर जाना घर दे प्यारे ने वेड़ा सजया सजाया, रे जाना तेरी बीवी, तेरी बीवी जो नाज पे कर दिए, तेरी बीवी जो नाज पे कर दिए, अज लाश नुवेख के डर दिए, अज लाश नुवेख के डर दिए, भाइया कफन पहना के टोरना है, नक्शा भुल दिया भुल दिया भुल जाना, टुर जाना घर दे प्यारे ने वेड़ा सजया सजाया, रह जाना सदा बाप ने रहना ना माई ने, बिछड़ जांदे बहना तो भाई ने, भैना वीरा बाज की जीना है, भैना वीरा बाज की जीना है, पुआ तक दिया तक दिया मुड़ जाना, तुर जाना घर दे प्यारे ने वेड़ा सजया सजाया, रह जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक नाज़िल होन माला। अल्लाह ताला दा कुरान पे ऐलान करदा है, फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, ज़ालिकुमुल्लाह। अकीदा आखिरत बयान कर दिया होया, कायनात दे रब ने फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो, मैं ओ मां जिन्हें जिंदा चो मुर्दा पैदा कीता, मैं ओ मां जेड़ा मुर्दा तो जिंदा पैदा करम ते कादर आ, ज़ालिकुमुल्लाह ज़ालिकुमुल्लाह। फरमाया कायनात दे लोगो, कदी जमीन ते नजर ते दौड़ाना, इन्हां जमीना दे अंदर तू बीज सुटना है, जदों बीज सुटना है फिर अल्लाह ताला बारिश वसांदा है, जेड़े फल दा तू बीज सुटिया आंदा है फिर वो फल निकल के बाहर आ जाता है, उस फल का पौधा लगता है, पत्ते लगते हैं फिर उ फल निकलता नजर आंदा है। बंदे दे कोल पांच दस पंद्रह मरले का एक बाग होवे, ते बंदे ने उहदे विच एक फल उगाया होवे, अनार दा अंगूर दा सेब दा कोई भी फल उगाया होवे, कदी इंज नहीं हुंदा कि बंदा अनार दा दाना सुटे अपने बाग अंदर, ते जदों फल उगण दी वारी आवे, कुछ दाने अनार दे होवन ते कुछ करेलियां दे होवन, कुछ अनार दे होवन ते कुछ अंगूरां दे होवन, कदी इंज नहीं हुंदा। अनार दा बीज सुटिया जांदा ते अनार युगदा, करेले दा बीज सुटिया जांदा ते करेला युगदा, अंगूर दा बीज सुटिया जांदा ते अंगूर युगदा। साइंसदानां दी तहकीक की कहिंदी ऐ, साइंसदान कहिंदे ने 15 लाख दे करीब नबातात ने जिहड़े जमीन पर उगांदी ऐ, 15 लाख दे करीब नबातात दीयां किस्मां ने जिहड़ियां जमीन पर उगांदी ऐ। सानूं ते 2, 4, 5, 10, 15, 20 दा कोई नाम आउंदा होएगा, लेकिन 15 लाख दे करीब नबातात ने जिहड़े जमीन दे विचों निकलदे ने, लेकिन जिहदा बीज सुटिया जांदा उहो ही निकलदा है, दूजा कोई नहीं निकलदा, दूसरे किसी दा रंग नहीं चढ़दा, दूसरे किसी दा दायका नहीं चढ़दा, दूसरे किसी दी मिठास नहीं चढ़दी, दूसरे किसी दी करवाहट नहीं चढ़दी। फरमाया कायनात दे लोगो, जिवें जिवें बीज मुर्दा पए होवन, जिस फल ते बीज ने ओ कोई फल बार आंदा है, मर के कबरी टुर जाओगे, आदम तो लैके कयामत तक
ਦੁਨੀਆ ਕਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਖਮੀਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਅੱਲਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਏਗਾ ਵੇਖੀਏ ਕਦੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਨਿਕਲਿਓ ਬਣ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਨੇਕ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਬਦ ਬੰਦਾ ਬਦ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਬਦ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਾਫਰ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਜਿਸ ਫਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸੇ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨੇਕ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੇਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਦ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਦ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਯੌਮਾ ਯਖਰੂਜੂਨਾ ਮਿਨਲ ਅਜਦਾਸਿ ਸਿਰਾਨ ਕਅਨਹੁਮ ਇਲਾ ਨੁਸਬਿਨ ਯੂਫਿਜ਼ੂਨ ਖਾਸ਼ੀਯਤਨ ਅਬਸਾਰੁਹੁਮ ਤਰਾਕੁਹੁਮ ਜ਼ਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਭੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਜੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਠਾਏਗਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਫੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਸੂਰ ਜਦੋਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਫੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਉੱਠ ਪਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਆਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋ ਉੱਠੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਕੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਦਫਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਿਫਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਿਫਤ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਅਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਅਤਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ
पईयां दोहाइयां ने उचियां शाना मालिक आप अताइयां ने तू सारे जग तो सोना तू सारे जग तो सोना तेरे वर्गा कोई नहीं आना ओ तेरे वर्गा कोई नहीं आना तेरिया नाता तेरिया नाता अल्लाह आप सुनाया ने उचियां शाना मालिक आप अताया ने और मेरा मुहम्मदी बख्त उचेरा आका उमती हाँ मैं तेरा आका उमती हाँ मैं तेरा तेरी इतात नाल होनिया सब रिहाया ने उचियां शाना मालिक आप अताया ने ते बड़ा प्यारा जुमला तेरा प्यार इबादत मेरी तेरा प्यार इबादत मेरी ताइयों पढ़ना वनात मैं तेरी ओ ताइयों पढ़ना वनात मैं तेरी तेरिया नाता तेरिया नाता साडिया नेक कमाया ने उचिया शाना मालिक आप अताया ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ते मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमा दे रहे आका फरमा दे ने कायनात दे लोगो नेक बंदे जो अपने कब्रां दे विच उठाए जाणगे सब तो पहले नबी पाक ने कह लिया जाएगा फिर अबू बकर उमर उस्मान फिर हजरत ईसा अली सलातो सलाम भी नाली नाली बकी कब्रस्तान दे लोग उठाए जाणगे मक्के वाले ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने एक बंदा चोर है चोर जो उठेगा ना कब्र दे विचों ओदे सिर ते चोरी दा सारा समान रखिया होएगा ओनू आखिया जाएगा इंजी टुर के जाना है मैदाने माशर वाल सूदखोर बंदा जो कब्र दे विचों निकलेगा ना अल्लाह कीड़े दी शक्ल इख्तियार करा देवेगा एक कीड़ा बना के नू मैदाने माशर तक ले जाया जाएगा इंज दे बंदियां दा गंदा गंदा हाल होएगा ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने नेक बंदा मोमिन बंदा मवाहिद बंदा परहेजगार बंदा जिवें ही कब्र दे विचों बाहर निकलेगा फरिश्ते खूबसूरत शक्लां दे अंदर इन्हां दे कोल आए होणगे ते फरिश्तियां ने अपने नाल उठनियां पकड़ियां होणगियां सोहणियां सोहणियां ते मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने उस ऊंठनी दी हाल बयान फरमाया उस ऊंठनी दा हाल सैयदना अली ने बयान फरमाया नबी पाक को सुन के ते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मेरे हाथ जिस मैनू उस अज़ाब दी कसम है जिस कब्ज़े कुदरत दे अंदर मेरी जान है जदों परहेजगार बंदियां नूं कब्रां दे विच उठाया जाएगा सफेद रंग दियां उठनियां इन्हां दियां सवारियां बनन वास्ते तैयार खड़ियां होणगियां और हर ऊंठनी दे पर लगे होणगे अल्लाह इन्हां दे कुजावे सोने दे बना देवेगा इन्हां दे पैरां दे अंदरों रोशनियां पईयां निकलदियां होणगियां और इस ऊंठनी दा कदम इतनी दूर तक पएगा जितनी दूर तक बंदे दी निगाह जांदी है एक कदम इतनी दूर तक होएगा लेकिन मेरे पैगंबर फरमांदे ने इतनियां प्यारियां प्यारियां उठनियां बंदियां दे वास्ते मैं कब्र दे विचों मैदाने माशर तक जाण वास्ते तैयार खड़ियां होणगियां लेकिन बंदियां दे अमल दे हिसाब नाल बंदियां नूं जानवर दित्ते जाणगे एक बंदे कोल एक ऊंठनी होएगी बड़ा नेक बंदा होएगा कई बंदे तीन तीन कोई ऊंठनी ते सवार होणगे मालनामा थोड़ा होएगा कई इन्हां नालों भी ज्यादा घट नेक होणगे ओह पंज पंज बंदे इक इक ऊंठनी ते सवार होणगे कई दस दस बंदे इक इक ऊंठनी ते सवार होणगे ते इन्हां नूं मैदाने माशर तक पहुंचाया जाएगा और दूसरी किस्म दे बंदे फरमाया इंज दे भी बंदे होणगे जिन्हां नूं घोड़ियां दे जरिए अल्लाह ताला घोड़े अता फरमाएगा याकूत ते बड़े होए घोड़े होणगे इन्हां दे नाल पर भी लगे होणगे फिर अल्लाह ताला कब्रां च उठांदियां सारी मोमिन बंदियां नूं घोड़ियां दियां सवारियां अता करेगा घोड़े इन्हां नूं मैदाने माशर तक लैके जाणगे और मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा सब तों घट
लैवलदन एक बंदा आएगा ना एदे कोल एक खूबसूरत बंदा आएगा बड़ी नौरानी चेहरे वाला नौरानी शक्ल वाला खूबसूरत चेहरे वाला ते बंदे नु खुशबू पई आंदी होएगी ओदे विचों ते ओनु आके कहेगा मैनू पहचानना है बंदा कहेगा पहचानदा मैं तेनू कोई नहीं पर तेरे च खुशबूआं बड़ियां प्यारियां पई आंदियां ने ओ कहेगा मैं तेरा नेक नाम आया माला सारी जिंदगी मैं तेरे सिर ते सवार रहा वा सारी जिंदगी तू नेकियां करदा रहा मुशक्कत उठांदा रहा है अज मैं तेनू सवार अपने ते करांगा ते तेनू मैं मैदाने माशर तक लैके जावांगा वाह 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 सुभान अल्लाह किसे वास्ते उठनियां पईयां आंदियां ने किसे वास्ते घोड़े पै आंदे ने ते किसे दा अपना ही नेक नाम आया माल बंदे दी सवारी बन के आ जाएगा कहिंदा अज मेरे कंधियां ते बह जा मैं तेनू मैदाने माशर तक लैके जाना चाहना ते मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमांदे ने हजरत साले अली सलातो सलाम जदों अपनी कबर दे विचों उठाए जाणगे ते हजरत साले नू हजरत साले वाली ऊंटनी अता कर दित्ती जाएगी ओह हजरत साले नू मैदाने माशर तक लैके जाएगी और मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैं जदों अपनी कबर दे विचों बाहर निकलांगा ना मैनू भी अल्लाह ताला मेरी कसवा ऊंटनी अता फरमाएगा मैं भी उस ऊंटनी ते बह के मैदाने माशर वल जावांगा और मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे नवासे हसन ते हुसैन अपनियां कबरां दे विचों उठाए जाणगे इन्हां वास्ते भी अल्लाह ने ऊंटनियां दा इंतजाम कीता होएगा ऊंटां दे उत्ते बहणगे मैदाने माशर वल जाणगे और मेरे पैगंबर फरमांदे ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बिलाल दा नाम लिया मेरे पैगंबर ने आका फरमांदे ने बिलाल जदों अपनी कबर दे विचों उठाया जाएगा अल्लाह बिलाल वास्ते भी एक ऊंटनी दा इंतजाम करेगा बिलाल उस ऊंटनी ते बह के मैदाने माशर पहुंचेगा जदों बिलाल मैदाने माशर पहुंचेगा उदों बाकी भी सारे लोग आदम तो लैके कयामत तक आण वाले सारे मैदाने माशर अंदर पहुंच जाणगे मेरे नबी दी कयादत दे अंदर ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने उत्थे अल्लाह ताला बिलाल दी गर्दन नूं लम्मियां कर छड़ेगा बिलाल दी गर्दन ऊंचियां कर दित्ता जाएगा ते जितने भी अजाना पढ़न वाले बंदे ने ना ओ सारे अल्लाह ताला बिलाल दे झंडे दे नीचे इकट्ठे कर देवेगा ते बिलाल नूं आखिया जाएगा बिलाल जो अजान पढ़ना जिहड़ी मदीने दे अंदर पढ़दा रहा है जिहड़ी मदीने दे अंदर सुनांदा रहा है जिहड़ी मेरे नबी ने तैनूं अजान सिखाई बिलाल अल्लाहू अकबर तो अजान शुरू करनगे ला इलाहा इल्लल्लाह तक जाणगे ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा नेक बंदा होएगा साले बंदा होएगा परहेजगार बंदा होएगा जिवें जिवें बिलाल अजान पढ़दे जाणगे उवें उवें नेक बंदे बिलाल दी अजान दा जवाब देंदे जाणगे ओही बंदा अजान दा जवाब देवेगा ना जिहड़ा अज भी अजान दा जवाब देंदा है जिहड़ा अज जवाब नहीं देंदा कल किवें जवाब देगा जिहनूं अज अजान दी कदर नहीं उहनूं कल अजान दी कदर किवें आएगी जिहने अज अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दा जवाब ना दित्ता ओह कल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दा जवाब किवें देगा वेली अजान दा अदब करिया कर फिर अजान दा सब तो वड्डा अदब है कि अजान सुन के मस्जिद वल आया कर नमाज पढ़न वास्ते ते मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम फरमांदे ने अल्लाह ताला बिलाल नूं इजाज़त अता फरमाएगा बिलाल दी आवाज अंदर अजान कही जाएगी लोग शहादतां देणगे किसी की शहादत कबूल की जाएगी किसी की शहादत रद्द की जाएगी काफिला मैदाने माशर तक मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम की क़यादत अंदर जाएगा और कुरान वालियां नूं उलमा नूं जनाब शान वाले अल्लाह शान अता फरमाएगा फिर उत्थे ग्रोह बंदियां होणगियां बल्कि कबर ते उठण तो लैके मैदाने माशर तक जाण तक लोग ग्रोह दर ग्रोह जाणगे मैदाने माशर दे अंदर हाफज़ा हाफज़ां दे नाल जाणगे मैदाने माशर वाल कुरान वालियां दे नाल जाणगे मैदाने माशर तक अल्लाह फरमांदे ने नबी पाक फरमांदे ने जानी जानियां दे नाल कबरां दे विच उठाए जाणगे ते मैदाने माशर तक बचाए जाणगे सूदखोर सूदखोरां दे नाल मैदाने माशर तक बचाए जाणगे यहूदियां दी मुशाबत करन वाले उहनां दे नाल मैदाने माशर तक बचाए जाणगे ईसाइयां दी मुशाबत करन वाले उहनां दे नाल मैदाने माशर तक बचाए जाणगे और मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फिर फरमाया एक हदीस अंदर मेरे पैगंबर फरमांदे ने तीन किस्म दे लोग होणगे जिहड़े मैदाने माशर वल जा रहे होणगे महबूबा केड़े केड़े बंदे फरमाया पहली किस्म दे बंदे जिहड़े
पैदल जाते पे हो मैदाने माशर वाल रसूल फरमाते ने महबूबा इतो उठ के मैदाने माशर शाम के अंदर लगेगा किन्नी कु दूर तक पैदल जा सकता है बंदा एक इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं होंगी इतना ज्यादा पैदल चल सके ते मेरे पैगंबर फरमाते ने पैदल तुरन वाले भी अपने अपने नामा या माल की दौड़ अंदर होंगे जितना जितना ज्यादा नामा या माल होएगा उतनी उतनी कम थकावट होएगी जितना जितना नामा या माल अंदर नेकियां थोड़ियां होनगियां उतनी उतनी थकावट ते परेशानी ज्यादा होएगी। फिर दूसरी किस्म दे बंदे ओ बंदे जेड़े मैं पहले बयान किए ने फरमाया जिन्हां नूं अल्लाह सवारियां अता करेगा कब्रां दे विचों मैदाने माशर तक जाण वास्ते। तीसरी किस्म दे बंदे ए ओ बंदे ने जिन्हां नूं सर दे बल उठाया जाएगा जिवें बंदा पैरां दे बल चल लै एवें सर दे बल चल के मैदाने माशर तक जाणगे। ते सहाबी रसूल फरमांदे ने महबूबा सर दे बल को किवें चल सकदा है ते नबी पाक फरमांदे ने जिहड़ा रब पैरां ते चलान ते कादर है ओ सिर नूं चलान ते वी कादर है। अल्लाह ताला इहनां नूं सिर दे बल लै के जाएगा मैदाने माशर तक रस्ते दे अंदर पत्थर आणगे रुकावटां आणगियां मुसीबतां आणगियां ते अपने चेहरियां तो पत्थर हटांदे नजर आणगे अपने चेहरियां तो रुकावटां हटांदे नजर आणगे। ये काफर ने मुशरक ने बदअमल ने गंदे ने मुनाफक ने फासक ने फाजर ने जिहड़े मुंह दे बल उठाए जाणगे ते मैदाने माशर वल पहुंचाए जाणगे। अल्लाह ताला सानू उहनां विच शामिल फरमाए जिन्हां वास्ते अल्लाह सवारियां तैयार कीतियां होणगियां। अल्लाह सानू सारियां नूं उहनां विच शामिल फरमा देवे। पर जनाबे आला उदों सवारियां मिलणगियां जदों बंदा नेक होएगा जदों बंदा तौहीद परस्त होएगा जदों बंदा अल्लाह दे दर ते सर झुकाण वाला होएगा। अल्लाहू अकबर अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओए अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे जिथों मंगदा नबी होवे जिथों मंगदा अली होवे अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे तौहीद अल्लाह दी हर बेले मैं इसे लई सुना नामा सारे दर छड़ के इक दर ते इसे लई सर चुकाना खां जदों जावा कबर अंदर जदों कबर अंदर कबर मेरी सजी होवे अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे जिथों मंगदा नबी होवे जिथों मंगदा अली होवे अल्लाह वरगा जमाने विच दसो केड़ा सखी होवे। अल्लाह ताला दा कुरान फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून